इस जगह पर अब हम स्प्लाइसिंग जो कि हमारी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, इसको देखते हैं। स्प्लाइसिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो एग्जॉन के दरमियान जो इंट्रोन होता है ना, हमने उसको रिमूव कराना होता है, क्योंकि एग्जॉन जो है उनकी ट्रांसलेशन हो सकती है, इंट्रोन की नहीं होती, तो हमने उनको रिमूव कराना होता है। तो अब मैं यहाँ पर शो करती हूँ, ये हमारे पास एग्जॉन है, एग्जॉन वन अगर मैं इसे नेम कर दूँ, दरमियान के अंदर हमारे पास एक इंट्रॉन है और उसके बाद हमारे पास एग्जॉन टू है। हमने दरमियान से इस चीज़ को निकालना है। इसके लिए हमारे पास एस एन आर पीज आते हैं, ठीक है, एस एन आर एन पीज, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आती हैं, ये यहाँ पे सप्लाइसिंग के प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करती हैं। एस एन आर एन आर एन पीज जो है हमारे पास होती हैं यू वन, यू टू, यू फोर, यू फाइव एंड यू सिक्स, वो मैं आपको बारे में बताती हूँ किस तरह से आते हैं। पहले यू वन अकेला आएगा, ठीक है, उसके बाद यू टू आएगा, उसके बाद यू फोर, यू फाइव और यू सिक्स जो है इनका एक ट्रिपलेट बना होता है, वो एक साथ आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम इनको शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इनका एक ब्रांच पॉइंट होता है जहाँ पे एडिनिन अटैच होता है, और एडिनिन का आपको पता है कि जो है ना इसका जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसके साथ अटैच होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक को अभी शुरू में, क्योंकि अभी हमें ये नहीं करवाना, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन आएगी, ठीक है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन आएगी जो कि इसको आके कवर कर लेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर यू वन आएगा और साथ में ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन आएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी, एक जो है ब्रांच पॉइंट पे जाके लग जाएगी, जैसे यहाँ पे ब्रांच पॉइंट है ना, तो जो ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन है वो यहाँ पे जाके लग जाएगी, और जो यू वन है ना एग्जॉन वन के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यू वन आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्रांच पॉइंट की असल हकदार यानी कि यू टू हमारे पास आ जाता है और वो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को निकाल देता है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन निकल जाएगी, उसी वजह यू टू यहाँ पे अटैच होगी। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे यही आया, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास यू टू और इधर आ गया हमारे पास एग्जॉन टू। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, मैंने बताया था कि तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, यू फोर, यू फाइव एंड यू सिक्स। यहाँ पे जैसी ही चीज़ें अंदर अटैच होने लगती हैं यू फोर निकल जाता है। दिमाग में सवाल ये आता है कि यू फोर ने अगर निकल ही जाना था तो यहाँ पे आया क्यों? वजह ये थी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे यू फोर आया था, क्योंकि ये हैं यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आर एन पीज का क्या मतलब है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, तो इसका मतलब है प्रोटीन भी होगी साथ में यहाँ पे आरएनए भी होगा। तो यहाँ पे सपोज ये दो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास यू फाइव और यू सिक्स। अब यहाँ पे कोई और चीज़ आके अटैच कर सकती है अगर इसको क्लोज ना किया जाए, तो इसको क्लोज करने के लिए यू फोर आता है, यानी कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस स्ट्रक्चर को, हमारे पास यू फोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब ये टाइम आ जाता है कि हमने स्प्लाइसिंग करानी है, तब यू फोर निकल जाता है और यू फाइव और यू सिक्स रह जाती हैं। अब इनमें से जो यू फाइव है, इसने तो इन दो एग्जॉन के दरमियान आना होता है, इसकी अफिनिटी, यू फाइव की अफिनिटी एग्जॉन वन और एग्जॉन टू दोनों के लिए होती है। अगर इन दोनों को हमने मिलाना है तो हमें इसकी बेंडिंग करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, ये बेंडिंग हमें नज़र आ रही। ये एग्जॉन वन है हमारे पास और ये एग्जॉन टू है, इन दोनों के दरमियान जो है एस एन आर एन पीज यू फाइव हमारे पास आ जाएगी। अब जो यू सिक्स है, इसकी अफिनिटी एग्जॉन वन के साथ होती है और साथ में जो यहाँ पे यू टू पड़ा हुआ है ना उसके साथ होती है, तो यहाँ पे हमारे पास यू सिक्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। उसके बाद मैं वो क्या बताया था कि यहाँ पे जो एडिनिन होती है वो एडिनिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाती है, उसका जो हाइड्रोक्सिल वाला ग्रुप होता है ना, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर होता है। जब ये इसके ऊपर अटैक, अब तो दोनों की अटैचमेंट भी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर करेगी और ये एग्जॉन वन से हट के ना यहीं पर आ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक यूं स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये जो ब्रांचिंग पॉइंट थी यहाँ पर ऊपर वाला मैसेंजर आने आके चिपक जाता है, ऊपर हमारे पास है एग्जॉन वन, नीचे हमारे पास है एग्जॉन टू, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास यू फाइव पड़ी हुई है, ठीक है, ये हमारा हिसाब होता है। दरमियान के अंदर जो है हमारे पास वही यू सिक्स और यू टू पड़े हुए हैं, ठीक है, यू सिक्स और यू टू पड़े हुए हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे होगी, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा इधर से होगा कि इसका टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैक करवाता है इसका फाइव प्राइम जो फॉस्फोडाइस्टर, यानी कि फाइव प्राइम जो फॉस्फेट होता है उसके साथ, और यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो इस
इसका थ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे, ये थ्री प्राइम एंड इसका बचा हुआ था ना, अब यहाँ पे इसका थ्री प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप जो यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये इसके साथ बाइंड था, लेकिन अब देखिए जब हट जाती है तो यहाँ पे एक न्यूली फॉर्म, यानी कि जो पहले यूज़ हुआ हुआ था इसके साथ बॉन्डिंग में, अब तो वो खुल गया, वो तो फ्री हो गया, तो इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप फिर क्या करता है, इसके जो फाइव प्राइम फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, उसको जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाएगी और ये एग्जॉन वन और एग्जॉन टू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से होता है, यहाँ से इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा, एग्जॉन वन और एग्जॉन टू इसके साथ मिल गए और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दरमियान में पीस अगर मैं शो करूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, तो ये सारा सप्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। सप्लाइसिंग के प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले यू वन आया और ब्रांच बॉन्ड बाइंडिंग प्रोटीन आई, ये इधर अटैच होगी और यू वन एग्जॉन वन के साथ अटैच हो गया, फिर जब यू टू आया उसने ब्रांच बॉन्ड बाइंडिंग प्रोटीन को निकाल दिया, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, ये ट्रिपलेट आता है यू फोर यू फाइव और यू सिक्स, यू वन यू फोर तो फौरन यहाँ से रिमूव हो जाता है, साथ में यू वन भी रिमूव हो जाता है जो यहाँ पे अटैच हुआ था, फिर ये दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं, यू फाइव जो है इस दोनों के साथ अटैच हो जाते हैं और यू सिक्स की अफिनिटी एग्जॉन वन और साथ में ये जो ब्रांच पॉइंट बना हुआ है इसके साथ होती है, फिर इसका जो ब्रांच पॉइंट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लैरियट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, लैरियट बन जाता है, और बाद में यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ये इसका जो थ्री प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अटैक करता है इसके फाइव प्राइम फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है और एग्जॉन वन और एग्जॉन टू से अटैच जाते हैं। अब ये जो फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चर बना है कि यहाँ पे इसकी सेवन मिथाइल गुआनोसिन कैप अटैच हुई है और इधर इसकी पॉली ए टी एल अटैच हुई है, इसे हम बोलते हैं कि ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए है जिसको हम ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारी जो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्लिड कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसे शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें।